सीमा हैदर को लेकर आजकल सबके अपने व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन बीते रोज जब हमने एक पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत की तो उसके दावों ने पबजी वाली इस प्रेम कहानी को नया रंग दे दिया। सैयद बासित ने किसी इंडियन लीडर की ओर इशारा करते हुए डंके की चोट पर बार बार इस बात पर जोर दिया है कि दुबई में सीमा हैदर डांसर थी इंडिया आने से पहले, और दुबई में ही सीमा की एक इंडियन पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार था और उसी के प्यार में सीमा इंडिया आई है, न कि सचिन के प्यार में। नाचना इसको बहुत आता है क्योंकि ये दुबई में डांस क्लब में डांस करती थी, ठीक है। अब जो डांस करती थी वहां पर क्या हुआ, वहां पर हुआ ये, इसके पास जाहिर है आप लोगों के एक सवाल है, उस सवाल का भी जवाब देता हूं कि इसके पास पैसे कहां से आए इतना बड़ा बॉर्डर पार करने, चलने फिरने दुबई ये वो, तो डांस करने के दुबई में बड़े पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब दुबई में जो डांस होता है वहां पे किसी भी मुल्क से कोई भी लड़की जा सकती है, वो उस मुल्क पे डिपेंड नहीं करता, उसके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उस इंडिविजुअल पे कि वो डांस कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वहां पर डांस करते करते इन इसका इश्क माशूकी स्टार्ट होती है एक इंडियन पॉलिटिशियन से, वहां पे इसकी दोस्ती होती है, और दोस्ती के बाद जो इनका आपस में तरीका चलते हैं कि ये हम इस साइड से आएंगे फंसेगा, सब सोचेंगे सचिन और इसकी मोहब्बत हो गई है तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सारा सचिन की मोहब्बत पे बात हो जाएगी। हालांकि इन दावों में सच कितना है इसकी पुष्टि टीवी 9 बिल्कुल भी नहीं करता, पर आरोप लग रहे हैं तो गौर किया जाना भी जरूरी है। सीमा हैदर का ये डांस वीडियो देखिए, कॉपीराइट के इश्यूज के चलते हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन उसमें जाहिर तौर पर आपको इस पबजी गर्ल का एक अलग रंग देखने को मिलेगा। ये बात भी सामने आई कि सीमा ने एक साल के अंदर 4 सिम बदले, पाकिस्तान में पाकिस्तान का सिम, दुबई में दुबई का सिम, नेपाल में नेपाल का सिम, और इंडिया में इंडिया का सिम। जिस मुल्क को वो छोड़ती गई वहां वहां का सिम तोड़ती गई। देखें मुस्लिम क्यों नहीं है, उसका जवाब आप सुन लेना। मुस्लिम होने के लिए आपको शायद पता हो कि मुस्लिम होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए पहले गुसल के फ़राइज़ आने चाहिए जिससे बंदा पाक होता है, उसके वजू के फ़राइज़ आने चाहिए जिससे बंदा नमाज पढ़ता है। इसको एक भी नहीं पता, जब एक शख्स को ये चीज़ें ही नहीं पता वो कैसे मुस्लिम होगा? आप इस बात का खुदा के लिए कोई जवाब तो दें, मुस्लिम कैसे हो सकता है जब उसको मुसलमानों की चीज़ों का ही नहीं पता? आप एक आयतल कुर्सी जो उससे पूछ लें वो उसको नहीं आएगी, आप कहते हैं मुसलमान है, फिर कौन सा फैक्ट आपका ये ठीक बनता ही नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं। फिर आ जाता है अगला पॉइंट आ जाता है हिंदू है ये अब या हिंदू नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है, ये झूठा ड्रामा कर रही है, किसी धर्म को नहीं मानती। अगर आप हिंदुइज्म पे इससे सवाल कर लें, अगर इसको जवाब आ गए फिर आप कहेंगे हिंदू कोई भी हो सकता है। सुनें, अगर बासित के आरोपों में तनिक भी सच्चाई हुई तो यह पूरा मसला एक नई दिशा की ओर मुड़ जाएगा और नए सवाल भी जीवंत होंगे। सवाल ये कि क्या वाकई दुबई में डांसर थी सीमा हैदर? अगर सीमा हैदर का किसी इंडियन लीडर से अफेयर है तो वो नेता कौन है आखिर, और क्या सीमा उसी नेता के प्यार में भारत आई? एक बड़ा दावा आपको और सुनाते हैं जिसमें उस पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया है कि हैदर और सचिन से पहले सीमा के बहुत सारे अलग अलग अफेयर्स रहे हैं। तो रिलेशन तो उसके थे, वो अभी यकीन करें, खुदा गवाह मुझे एक मैसेज, अगर तो ठहरे मैं आपको सुना दूं, अब सुन ली उसमें क्या था कि वो बंदा मुझे कह रहा है कि मैं इसके जो पैसे खाती थी ये, इसका ये तरीके बताता हूँ ये पैसे कैसे खाती थी। ये देखें अब कुछ तो चीज़ है ना फिर मेरे तक आ रही है। अब मैंने इस पर रिसर्च पूरी नहीं की, अभी मुझे पता करना है कि कौन पैसे कहाँ से खाती थी, दुबई से खाती थी या पाकिस्तान से खाती थी, हिंदुस्तान से खाती थी, अभी इस पर रिसर्च होनी है मेरी। लेकिन मुझे मैसेज ऐसे ही आ रहे हैं, पैसे खाती थी या कमाती थी? पैसे खाने और कमाने में अंतर थोड़ा स्पष्ट करें आप। कमाने में कोई और तरीके से कमाती होगी, उसे कहते हैं पैसे खा रहा है। देखें जब कमाना होता है बंदा दो कमा भी सकता है और खा भी सकता है, एक तरीके से वो कमा सकता है दूसरे तरीके से खा सकता है। हम इस तथ्य से 100% इत्तेफाक रखते हैं कि बिना किसी ठोस सबूत किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाना कानून संगत बिल्कुल नहीं, लेकिन आरोपों का अगर जरा सा भी वजूद है तो वो नए सिरे से जांच के हकदार हैं। लेकिन भले पाकिस्तान सीमा के पलायन पर हाय तौबा मचा रहा हो, लेकिन जब उससे सीमा को वापस स्वीकारने की बात कही जाती है तो बगले झांकने लगता है। हमने जब पाकिस्तानी पत्रकार से सवाल किया कि क्या सीमा की पाकिस्तान वापसी पर आप उसे महफूज रहने देंगे, तो वो उसे सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करने लगा उग्र होकर। सुनिए जरा आप भी। जब वो आएगी तो उसको कानून बताएगा कि तूने एक मुल्क का नाम क्यों लिया, तूने इस्लाम का नाम क्यों लिया, उससे पूछा जाएगा ये इतना, वो इसको हम फ्री में नहीं छोड़ देंगे, पहले तो आप उसको सजा दें जो आपके साथ कर गया। आपके वो अंदर घुस जाती है 2 महीने में और आप कहते हैं आपको उसको आधार कार्ड मिल जाता है, सब कुछ उसको सपोर्ट मिल जाती है, आप कहते हैं आप सजा ही नहीं देंगे, मतलब आप वैसे ही वापस भेज देंगे, ऐसे तो हम उसको नहीं, हमें क्या पता वो क्यों आई है, फिर हम भी पूछेंगे तुम इंडिया ने इतनी आसानी से तुम्हें क्यों छोड़ दिया, कि कोई हमारे साथ तो चक्कर नहीं हो रहा, फिर हमने भी उससे सवाल करना सबका।
टीवी 9 को इस पाकिस्तानी पत्रकार की ओर से सीमा के कथित बॉयफ्रेंड की कथित ऑडियो क्लिप भी भेजी गई, जिसमें कथित तौर पर सीमा अपने बॉयफ्रेंड से बात करती दिख रही है और उसमें 25 लाख के घोटाले का भी जिक्र है। लेकिन हम जब तक उस ऑडियो क्लिप को पुष्ट नहीं कर लेते तब तक हम उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। फिलहाल आरोप और दावे तमाम हैं, लेकिन जो सबसे अलग एंगल निकल कर सामने आ रहा है वो है सीमा हैदर का एक इंडियन पॉलिटिशियन से अफेयर। सचिन के नहीं, उस भारतीय नेता के प्यार में पड़कर इंडिया आई है सीमा। ये आरोप बहुत ही ज्यादा गंभीर है, जांच जारी है। जल्द इस पाकिस्तानी पबजी गर्ल से जुड़े सारे राज बेपर्दा होने की उम्मीद करते हैं हम। टीवी 9 के लिए प्रियंक वाजपेयी की रिपोर्ट।